तो हेलो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं हम आज आपका एक और नई वीडियो में वापस से। तो थोड़े टाइम पहले हमने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की वीडियो बनाई थी कोस बाइक कंपनी की तरफ से आने वाले, तो उस पर आप सभी का सपोर्ट देखकर आज हम आपके लिए एक और नए इलेक्ट्रिक स्कूटर की वीडियो लेकर आ चुके हैं जो हमें मिलता है तुनवाल कंपनी की तरफ से, जिसके मॉडल का नाम है रोमा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्पेशल थैंक्स टू तुनवाल ई मोटर सोनीपत, जिन्होंने हमको पॉसिबल कराया कि हम ये रिव्यू आप तक लेकर आ सकें। जो ये शोरूम है ये सोनीपत में लोकेट करता है गुहाना रोड पे नियर शंभू दयाल स्कूल अपोजिट सीएनजी गैस पंप। आप चाहें तो एक बार अपनी विजिट ज़रूर दें, बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी और लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें इसके फ्रंट हैंडल के बारे में। तो फ्रंट हैंडल पर ही माउंटेड आपको इसका हेडलैम्प मिल जाता है, जो हेलोजन है उसी के नीचे अगर आप देखें तो आपको इसकी मिडल बॉडी में दोनों इंडिकेटर इसके मिल जाएंगे। शार्प फिन इंडिकेटर दिए गए हैं इसमें। उसी के बाद उसमें आप नीचे आएंगे तो आपको हर जगह तुनवाल की रोमा एस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, जो इसकी लुक को काफ़ी एनहेंस कर देती है। साथ ही में अगर आप इसकी साइड लुक देखें तो साइड लुक से ये काफ़ी बल्की दिखती है, और पीछे अगर आप देखें तो इसकी पीछे की लुक भी काफ़ी अच्छी लगती है। पूरी ये स्कूटर बल्की बनाने की कोशिश की गई है ताकि ये रोड प्रेजेंस इसका ज़्यादा रहे। तो उसके बाद अगर हम देखें इसमें इसको यूटिलिटी के तौर पे कि इसमें स्पेस वगैरह कैसा है, तो इसमें काफ़ी बड़े साइज़ का बूट स्पेस दिया गया है जिसमें आप आराम से हेलमेट वगैरह रख सकते हैं। साथ ही में अगर आप आगे देखें तो आगे आपको जो मतलब एक प्रॉब्लम आती है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में, जो 6 फीट या 6 फीट से थोड़ा 5'11" के जो पर्सन्स होते हैं उनके जो नीज होते हैं वो हैंडल में स्टक करते हैं, पर इसमें ऐसी कोई दिक्कत आने नहीं वाली है। ये 6 फीट के पर्सन्स के लिए भी आराम से सूटेबल है। उसी के बाद अगर आप देखें तो सामने आपको एक छोटा सा बूट स्पेस और मिलता है जिसमें आप फ़ोन वगैरह रख सकते हैं या अपना वॉलेट वगैरह रख सकते हैं। में देखें तो पीछे आपको एक स्टेनलेस स्टील का कैरियर मिलता है जिसपे आप कुछ सामान वगैरह एंग कर सकते हैं या एज ए यूटिलिटी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में इसमें काफ़ी बड़े साइज़ की सीट मिलती है जो काफ़ी कंफर्टेबल है, आप 2 अडल्ट और 1 चिल्ड्रन को आराम से बैठा सकते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं और पीछे ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं जो इसकी ब्रेकिंग को काफ़ी एनहेंस कर देते हैं और आराम से इसकी टॉप स्पीड पे इसको रोकने की क्षमता देते हैं। फ्रंट और रियर आपको दोनों ही ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे, साथ में एलॉय रिम्स फ्रंट में और बैक व्हील में हब मोटर मिल जाएगी। उसी के साथ अगर अब हम इसमें बात करें इसके मीटर कंसोल की, तो इसमें मीटर कंसोल में इसकी स्पीड, इसके किलोमीटर से रिगार्डिंग, इसकी बैटरी कितनी बची है, सबके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको फुल डिटेल में मिल जाएगी। उसी के साथ में अगर हम देखें इसमें लेफ्ट और साइड के कंसोल कंट्रोल्स, तो हमको मिल जाते हैं लेफ्ट साइड में एक हॉर्न मिल जाता है और उसी के ऊपर एक इंडिकेटर स्विच मिल जाता है और उसी के ऊपर एक लाइट का अपर डिपर मिल जाता है। उसी अगर अब हम राइट साइड देखें तो राइट साइड में हमको सबसे ऊपर मिलता है एक राइट लाइट का स्विच, उसके नीचे हॉर्न स्विच मिलता है। हमको दोनों साइड हॉर्न दिए गए हैं क्योंकि इसमें सेल्फ स्टार्ट वगैरह का कोई फंक्शन दिया नहीं जाता, ओनली प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम होता है। ऑन करना है आपको और रेस देके चलानी है स्कूटी। उसी के साथ में अगर आप थ्रोटल के साइड में देखें तो आपको एक हाई लो का स्विच और साथ में एक सेफ्टी के लिए ऑन ऑफ का स्विच मिल जाएगा। हाई लो में स्पीड की अगर हम बात करें तो ये हाई में आपका अराउंड 50 टू 55 तक की नॉर्मल स्पीड दे देगा और लो में अगर आप देखें तो 30 टू 35 की नॉर्मल स्पीड प्रोवाइड करेगा। तो अगर अब हमने ये बात शुरू की है तो साथ ही में बात कर लेते हैं इसके पावर ट्रेन की। तो अगर अब हम इसके पावर ट्रेन की बात करें तो 1000 से 1500 वाट तक की आपको इसमें मोटर मिल जाएगी। तुनवाल कंपनी की तरफ से हब मोटर इसमें दी गई है, कोई फैन बेल्ट वाला सिस्टम नहीं है। तो 1000 से 1500 वाट की मोटर के साथ आपको इसमें लिथियम बैटरी और लेड एसिड दोनों के ही ऑप्शन मिल जाएंगे। अभी जो हमारे पास स्कूटी है ये लेड एसिड में अवेलेबल है जो 60 वोल्ट में है। 60 वोल्ट में ये आपको 1000 से 1500 वाट की मोटर के साथ आपको 55 की टॉप स्पीड में 70 किलोमीटर प्रोवाइड करता है। जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि कंपनी की तरफ से आपको सेफ्टी फीचर्स में फ्रंट में डिस्क ब्रेक और पीछे ड्रम ब्रेक दिए ही गए हैं, उसी के साथ कंपनी ने इसमें कंपनी की तरफ से सेंटर लॉकिंग जैसे फीचर्स भी प्रोवाइड कराए हैं जो आपको एंटी थीफ्ट अलार्म के साथ मिलता है, जो आपको स्कूटी को चोरी होने से बचाता है। पहले कंपनी फाइनेंस नहीं करती थी, आप या फाइनेंस कराना चाहे तो क्रेडिट कार्ड से करा सकते थे, पर अब कंपनी ने स्कीम शुरू कर दी है। जैसा कि हमने पहली वीडियो में आपको बताया था कि फाइनेंस जल्दी अवेलेबल होने वाला है,
तो फाइनेंस अवेलेबल हो चुका है मन्नापुरम कंपनी की तरफ से, अगर आप चाहें तो आप फाइनेंस भी करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी और वीडियो के लिए। साथ ही में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा साइट का, अगर आप इसको ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल जाएंगी। अगर आप कॉल करना चाहते हैं कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद।